Hey guys, welcome back to my channel once again. तो आज मैं ऐसे ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक फोटो दिखी, चलिए उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं और क्या उसकी हकीकत है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फोटो आप देख सकते हैं जिसमें बिल्कुल हमारे जो सीएम है धामी जी का तगड़ा प्रचार किया जा रहा है। ये धाकड़ धामी की धाकड़ घोषणा, चलिए वो घोषणा कौन कौन सी हैं उनको उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये है अग्निवीर से रिलेटेड, यानी कि अग्निपथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है फॉर तीनों सेनाओं के लिए, उसमें जो है 4 साल के बाद क्या होगा उसको लेकर हम उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस आपदा मैनेजमेंट उपनल चार धाम मैनेजमेंट में नौकरी दी जाएगी। और इन चीजों में आप देख सकते हैं, अगर मैं डिटेल में इसमें एनालाइज करूं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पुलिस की भर्ती का क्या हाल है, 8 साल बाद आई है आप जानते हैं। आपदा मैनेजमेंट में क्या हाल है वो सभी को मालूम है, किसी से छुपी नहीं है। उपनल का हाल ऐसी है, रोज यहाँ पर हंगामे होते हैं, रोज धरने होते हैं। चार धाम यात्रा का क्या हाल अभी हुआ है, पीआरडी के जो जवान थे उनके बारे में, उनको महीनों से सैलरी नहीं मिली है, तो ये हाल है। और ये कहते हैं कि अग्निवीरों को ये नौकरी देंगे। भाई साहब, जिनको आप पहले ऑलरेडी जो यंगस्टर बेरोजगार बैठे हैं उनको आप यहाँ पर नौकरी दीजिए। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि बॉबी पवार जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसी का जो है रिप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं है कि जुमलेबाजी बंद करो, पुष्कर सिंह धामी उपनल में नौकरी देने की बात करने से पहले उपनल वालों के शोषण के बारे में बात करो, पुलिस में नौकरी देने की बात करने से पहले उन युवाओं से पूछो जिन्होंने पुलिस भर्ती का इंतजार करते हुए 8 वर्ष हो गए और भर्ती निकलते ही उन्हें निराशा हाथ लगी। इसी सिलसिले में आपने देखा होगा उम्र को लेकर भी जो है पुलिस की भर्ती की उम्र को लेकर भी लटकाया जा रहा है बार बार मामला। तो बिल्कुल ये बात सही है, इसीलिए आप देख सकते हैं। और मैं ऐसी बात ये ट्वीट देखने के बाद मैं और भी मैंने सर्च किया बीजेपी उत्तराखंड की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, तो मैंने ये पाया कि भाजपा सरकार रोजगार के अवसर दे रही है। कहाँ पर दे रही है आप देख सकते हैं, सेवा योजन विभागों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, जहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया था किस तरह से समूह ग और समूह घ की भर्तियों को सेवा योजन से भरने की बात चली। और स्वरोजगार के लिए आप देख सकते हैं युवाओं सैन्य कर्मियों के आसक्तियों और कौशल विकास में रोजगार पर तमाम चीज़ें घोषणाएं तो होती हैं यार, मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जितनी भी ये घोषणाएं सरकार के द्वारा की जाती हैं अगर उसका 10% भी जमीनी हकीकत पे इम्प्लीमेंट होता तो उत्तराखंड में पलायन इतनी बड़ी समस्या ना होती। उसके अलावा बाकी जो इन्होंने ये इतनी बड़ी घोषणाएं की हैं, यानी कि धाकड़ धामी की धाकड़ घोषणा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट सेशन में बताना ज़रूर। लेकिन मैं पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री कह रहे, एक तो मुझे ये कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आया, ऑलमोस्टली 40 से ऊपर इनकी एज होगी, ठीक है, तो पता नहीं किस तरह से मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि युवा मुख्यमंत्री, अगर ये युवा मुख्यमंत्री है तो फिर हम क्या हुए, आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। लेकिन सीएम सर, अगर ये घोषणाएं आप इनके लिए कर रहे हैं तो लेकिन आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये फर्ज बनता है, उससे पहले आप उन बेरोजगारों के बारे में सोचें जो सालों साल मेहनत करते हैं लेकिन 8 साल 5 साल के बाद भर्तियां आती हैं और जब विधानसभा में पूछा जाता है तो आप बताते हैं कि 82,000 पद खाली पड़े हैं। तो वो पद आपने किस लिए रखे हैं, केवल चुनाव में घोषणा करने के लिए? बाकी आप क्या सोचते हैं गाइस, कमेंट सेक्शन आपका है, भर जरूर देना।